हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी मेला ग्लो रिच गोल्ड क्रीम के बारे में, जो कि स्पेशली बनाई गई है हाइपर पिगमेंटेशन के लिए। अगर आपके फेस में कहीं पे पिगमेंटेशन है और आप मेला ग्लो रिच क्रीम का इस्तेमाल उस एरिया पे करते हो, तो धीरे धीरे कुछ ही हफ्तों में आपकी जो पिगमेंटेशन है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा आप मेला ग्लो रिच क्रीम का इस्तेमाल फेस में डार्क स्पॉट्स, ब्लैमिशेस, अनइवन स्किन टोन, सन टैनिंग को रिमूव करने के लिए भी कर सकते हो। वहाँ भी इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। ग्लो रिच क्रीम का इस्तेमाल मेल और फीमेल दोनों ही कर सकते हैं। मेला ग्लो रिच क्रीम एक OTC प्रोडक्ट है, जिससे कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं हाइपर पिगमेंटेशन के लिए। मेला ग्लो रिच क्रीम के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी मोहिनी पाटिल की, जो कि जानना चाहती हैं कि ये क्रीम कैसी है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। चलिए इस क्रीम के बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि इस क्रीम का क्या प्राइस है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सो गाइस, मेला ग्लो रिच क्रीम आती है इस तरीके की ट्यूब पैकेजिंग में। ये 20 ग्राम की क्वांटिटी में आता है, जिसका प्राइस है लगभग 415 रुपये। इसे आप किसी भी मेडिकल स्टोर से या फिर ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स की तो इसमें है लिकोराइज एक्सट्रैक्ट, आर्बुटन, नियासिनामाइड, कोजिक एसिड डाइपालमिटेट, पेट्रोवाइट, लिकोराइज, ग्लाइकोलिक एसिड, वाइटामिन ई एंड कोजिक एसिड। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑल प्लांट एक्सट्रैक्ट से लिए गए हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके बेनिफिट की, जैसे कि कोजिक एसिड है, आर्बुटन है, नियासिनामाइड है, विटामिन ई है, पेट्रोवाइट है, इनकी मैं आपको बेनिफिट पहले भी अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये हमारी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ हैं। आप इनको बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, इनके कोई भी ऐसे सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सो गाइस, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये काफ़ी हेल्प करते हैं स्किन को लाइटनिंग करने में, स्किन को ब्राइटनिंग करने में, या आपके स्किन के टेक्सचर को, क्वालिटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि स्किन लाइटनिंग या ब्राइटनिंग जो क्रीम होती है वो हमारे स्किन के नेचुरल कलर को चेंज कर देती है, लेकिन ऐसा इस क्रीम के साथ नहीं है। ये आपके स्किन के नेचुरल कलर को चेंज नहीं करेगा, लेकिन डेफिनेटली आपकी जो स्किन की क्वालिटी है, जो टेक्सचर है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो इस क्रीम में ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे ही इस क्रीम का यूज़ करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इसको सिर्फ नाइट में यूज़ करें बिफोर गोइंग टू बेड। पहले अपने फेस को किसी माइल्ड फेस वॉश से वॉश कर लें। फेस को पैड ड्राई करने के बाद आप एक पी साइज़ यानी कि मटर के दाने के बराबर अमाउंट लेंगे क्रीम का, और इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए अपने फेस पे अफेक्टेड एरिया में अप्लाई करेंगे, और मॉर्निंग पे आपको ये क्रीम वॉश कर लें। इस क्रीम का इस्तेमाल आपको मैक्सिमम 3 से 4 महीने ही करना है, उसके बाद आप इस क्रीम का इस्तेमाल करना बंद कर दें। इसके अलावा अगर आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव है तो इस क्रीम का इस्तेमाल करने से पहले आप एक पैच टेस्ट ले लें। इसके लिए आप पहले थोड़ी सी क्रीम लेके कान के पीछे या गर्दन में लगाएं और 24 आवर्स में देखें, अगर वहाँ पे कोई जलन, खुजली या लालपन होता है तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करें, फिर ये आपको सूट नहीं कर रही है। इस तरीके का रिएक्शन क्रीम लगाने के बाद नहीं होता है तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मेला ग्लो रिच क्रीम बिल्कुल सेफ है टर्म्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, बट फिर भी अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो इस क्रीम को इस्तेमाल करने से पहले एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही इस क्रीम का यूज़ करें। अगर आप मेला ग्लो रिच क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डे टाइम पर आपको SPF 40+ सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करनी है, क्योंकि इस तरीके की स्किन लाइटनिंग और मेडिकेटेड क्रीम से हमारी जो स्किन है वो फोटो सेंसिटिव हो जाती है, जो कि बहुत आसानी से हल्की सी धूप में भी जल सकती है, बर्न हो सकती है। तो इस पर्पज़ के लिए आपको SPF 40+ सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करना है, चाहे आप घर के बाहर हों या अंदर हों। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आगे भी आपको इस तरीके की वीडियो देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।